एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। समयपुर बादली वार्ड में भाजपा प्रत्याशी गायत्री दीपक चौधरी का जगह जगह पर हो रहा है स्वागत। क्षेत्र की जनता ने गायत्री दीपक चौधरी को लड्डुओं से तोला और दिया समर्थन। बादली विधानसभा के वार्ड नंबर 20 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गायत्री दीपक चौधरी जहां भी चुनाव प्रचार करने पहुंच रही हैं, उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आज गायत्री दीपक चौधरी ने अपने चुनावी प्रचार में यादव नगर बी ब्लॉक में पहुंची, जहां स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने लड्डुओं से तोला और सम्मान किया। कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए बीजेपी के प्रत्याशी अपनी जीत को पक्का मान रहे हैं। कहना है कि 5 सालों में जिन समस्याओं से वार्ड की जनता परेशान है, वही समस्या उन्होंने भी झेली है। साफ सफाई, जाम, गंदा पानी, ऐसी समस्याओं से पिछले कई सालों से वार्ड की जनता परेशान है और अब जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का मन बना चुकी है। जिस तरीके से समर्थन आपको कल भी देखा गया कि लड्डू से तोला, आज भी लोग समर्थन कर रहे हैं, आज किस जगह पर है, कितना प्यार मिल रहा है और जीत कितनी सुनिश्चित कराता है ये सब? आज तो हम लोग यादव नगर में है और हमारे भाई साहब अजय जी ने आज सम्मान किया और हमारा पूरा भाजपा परिवार है और आज हम यादव नगर में हैं। यहाँ पे मेरा सम्मान करा जा रहा है, जितना मेरा वजन होगा उतने लड्डू ये बांटेंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा कल 68 वेट था, 69 हो गया। तो ये समर्थन है और ये प्यार है, ये आशीर्वाद है जनता का। प्रमुख मुद्दे सबसे पहले पानी है, साफ सफाई है, सड़क है, मेन मुद्दा है पार्क। यहाँ पे एक भी पार्क नहीं है। मैं अपने बच्चों को खुद कुछ भी कराना होता है मैं रोहिणी लेके जाती हूँ। क्यों हम रोहिणी लेके जाएं बच्चों को? हम अपने क्षेत्र में इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराएंगे ना कि हमारे सबके बच्चे यहीं पे खेलें। तो ये तो मेन मुद्दा है हमारे यहाँ का।